कि हमें ट्राइजोवास नहीं मिल रहा है, तो इसकी जगह हम दूसरी कौन सी ऐसी दवा डालें जिससे फसल में रिंग कटर, गर्डल बीटल और हरी इलिया खत्म हो जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चार तरह की दवाइयां बताने वाला हूं जिन्हें आप ट्राइजोफास की जगह उपयोग कर सकते हैं और ट्राइजोफास से भी बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक देखना, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ लेना। तो नमस्कार दोस्तों, चैनल पर करता हूँ आप सभी का स्वागत। अब दोस्तों सबसे पहले बात कर ले ट्राइजोफास 40 cc की, जिसे हम सोयाबीन की फसल में मुख्यतः गर्डल बीटल, रिंग कटर और तना मक्खी के लिए उपयोग करते आ रहे हैं। अब जिनको भी अभी मार्केट में ट्राइजोफास मिल रहा है वह तो इसका उपयोग कर ही लेंगे। अगर आपको भी ट्राइजोफास मिल गया है तो उसे 200 से 300 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर दीजिए। लेकिन जिनको ट्राइजोफास नहीं मिल रहा है वह किसान भाई बायर का सोलोमन ले सकते हैं। यह आपको ट्राइजोफास से भी बेहतर रिजल्ट देगा और ज़्यादा से ज़्यादा कीटों को कंट्रोल करेगा। बायर कंपनी वाले बोल रहे हैं कि एक नाम पाँच काम, तो देखते हैं सोलोमन कौन से पाँच काम करता है। अब सोलोमन के टेक्निकल फार्मुलेशन की बात करें तो इसमें बीटा साइफ्लोरथीन 8.49% और इमिडाक्लोप्रिड 19.81% मौजूद है, जो कि सोयाबीन की फसल पर रिंग कटर, ब्लू बीटल, सेमी लूपर इल्ली, सफेद मच्छर और अन्य रस चूसक कीटों पर कंट्रोल करता है। सोलोमन को 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है। सोलोमन का एक लीटर का पैक 2200 रुपए के लगभग मिलता है, जिसे हम 6 से 7 एकड़ फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। सोलोमन के साथ हम कोई भी अन्य कीटनाशक, फपूंद नाशक और टॉनिक का स्प्रे कर सकते हैं। बस सोलोमन के उपयोग के समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि इसे उपयोग करते समय हर बार बोतल को अच्छे से हिलाकर इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये गाढ़ा होता है, इसमें दो तरह की दवाएं होती हैं तो ये तली में जम जाता है। हर बार बोतल को हिलाकर उपयोग करेंगे तो सही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपको ट्राइजोफास और सोलोमन दोनों नहीं मिल रहे हैं तो आप क्लोरोफायरीफास प्लस साइपरमेथिन वाला कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। यह क्लोरोफायरीफास 50% प्लस साइपरमेथ्रीन 5% वाला मिश्रण कई कंपनियों की दवाई में मिल जाता है। यह क्लोरो प्लस साइपर वाला कॉम्बिनेशन भी सोयाबीन की फसल में स्टेम बोरर, गर्डल बीटल, रिंग कटर, लीफ माइनर और रस चूसा कीटों पर कंट्रोल करता है। इस कॉम्बिनेशन वाली दवाई को 300 से 400 ml प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना है और इसका एक लीटर का पैक 500 रुपए के लगभग मिल जाता है। या फिर आप इनकी जगह प्रोफेनोफास 50 cc का भी उपयोग कर सकते हैं। प्रोफेनोफास भी स्टेम फ्लाई, तना मक्खी, रस चूसक कीटों को खत्म करता है। प्रोफेनोफास 50 cc को 300 से 400 ml प्रति एकड़ की दर से लेना है। प्रोफेनोफास का एक लीटर का पैक भी 500 से 600 रुपए के लगभग मिल जाता है। इसके साथ आप अन्य कीटनाशक और टॉनिक ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ फंगीसाइड लेने से पहले एक बार दुकानदार और फंगीसाइड कंपनी वाले से बात कर ले कि क्या हम प्रोफेनोफास के साथ ये फंगीसाइड डाल सकते हैं या नहीं। इन सभी दवाइयों के अलावा हम मोनोक्रोटोफास 36% SL को भी डाल सकते हैं। यह भी सोयाबीन की फसल में तना मक्खी, स्टेम फ्लाई, रिंग कटर, गर्डल बीटल, बारीक इल्लिया और रस चूसक कीटों पर काम करता है। इसे 300 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना है। इसका भी एक लीटर का पैक 500 रुपए के लगभग मिल जाता है। इसके साथ भी आप अन्य कीटनाशक, फफूंदनाशक और टॉनिक को ले सकते हैं। तो दोस्तों रिंग कटर और तना मक्खी की चिंता न करें, इसके लिए 5 दवाएं उपलब्ध हैं, ट्राइजोफास, सोलोमन, क्लोरो प्लस साइपर वाला कॉम्बिनेशन, प्रोफेनोफास और मोनोक्रोटोफास। इनमें से कोई भी एक दवाई लेंगे ये बताए गए कीटों पर कंट्रोल करेगी। इन सभी दवाइयों की कीट नियंत्रण अवधि 8 से 10 दिनों की है, तो इनका अगला छिड़काव आपको पहले छिड़काव के 10 से 15 दिनों के बीच में करना है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट कर दें।